दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। तो दोस्तों, हम सभी आम जनता का कर्तव्य हो जाता है कि उसका पालन करें और जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं, क्योंकि दोस्तों जनता कर्फ्यू का मतलब होता है जनता द्वारा अपने ऊपर कर्फ्यू लगाना, यानी कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और घरों में ही रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम चीन में देख चुके हैं, ईरान में देख चुके हैं और इटली में हम देख रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है और वो वहाँ पर आम जनता बुरी तरह परेशान है और सब लोग घरों में कैद हैं, यानी कि वहाँ पर लॉकडाउन हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी मर्जी से अपने ऊपर जनता कर्फ्यू लागू करें और एक दिन के लिए अपने घरों में रहें। जब ज़्यादा मार होती है कोरोना वायरस की तो वहाँ पर लॉकडाउन होता है, क्योंकि आप लॉकडाउन सुन रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, मोबाइलों पर देख रहे होंगे और टीवी पर देख रहे होंगे, क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है, यानी कि जनता को उनके घरों में कैद किया जा चुका है। यदि हम एक दिन का जनता कर्फ्यू लागू करते हैं और वो अपनी मर्जी से अपने ऊपर, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना जो फैलता जा रहा है इसकी रफ्तार में कमी आएगी, इस पर कंट्रोल आएगा। जिन लोगों को खांसी है, जुकाम है या बुखार है, उन्हें अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है। वो तुरंत अपने मुंह पर मास्क या रुमाल ढककर रखें और डॉक्टर से संपर्क करें। और दोस्तों, हम जो स्वस्थ लोग हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो इसे हवा में नहीं उड़ाना है, हमें भी काफ़ी बचाव रखना है। अगर आपके नज़दीक किसी को खांसी जुकाम बुखार दिखाई देता है तो उससे कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। यह दूरी बनाने से हमारे ऊपर जो ये कोरोना वायरस का असर नहीं हो पाएगा, कि दोस्तों कुछ नहीं पता कि कौन कोरोना वायरस का पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव से मिलकर आ सकता है और हमें परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, हम पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं हम सब जनता के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जनता को आगे कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और दोस्तों, एक अनुरोध और करता हूँ कि किसी भी सामग्री का, चाहे खाने वाली सामग्री हो कोई, उसके बिना मतलब भंडारण ना करें, इकट्ठा ना करें, क्योंकि देश में खाने पीने की चीज़ों पर कोई कमी नहीं है और पूरे देश में पर्याप्त भंडार हैं। और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम अपनी सरकार, अपने देश और जो पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरी दुनिया का साथ दें, तभी हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी यहाँ तक पूरी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।